ओके, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, कल की क्लास में हमने बात की थी प्राण प्रत्यागमन की, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्राण प्रत्यागमन को मॉडर्न में क्या किससे कोरिलेट किया गया है, नियोनेटल रिसक्सिटेशन, ठीक है। और हम उसे क्या कहते हैं, प्राण प्रत्यागमन। हमारे प्राण प्रत्यागमन में जो हमारे आचार्यों ने डेफिनेशन दी थी कि प्राणों का पुनः आगमन, बस उसी को ध्यान में रख के इन्होंने अपनी डेफिनेशन बना दी है। इन्होंने मतलब हम क्या कर रहे हैं रिसक्सिटेशन के अंदर, हम क्या कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो भी चाइल्ड है उसका बर्थ हुआ है अभी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाली बात हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप मुझे सुनिएगा ध्यान से। तो जो चाइल्ड है, यानी कि जब वो अपने मदर यूट्रस के अंदर था, ठीक है, तब उसको सारा का सारा सर्कुलेशन है, न्यूट्रिशन है, उसका रेस्पिरेशन है, सब कहाँ से चल रहा था, उसकी माँ के थ्रू चल रहा था, प्लेसेंटा था एक कॉम्बिनेशन, उसके थ्रू सारा का सारा, तो उसके पास खाना पीना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मतलब उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी जब तक वो यूटरस के अंदर था। लेकिन जब कंप्लीट ग्रोथ हो गई, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद अब वो मदर यूटरस में नहीं है, प्लेसेंटा उसके साथ तो रहेगा नहीं, प्लेसेंटा अपना अलग हट चुका है। तो अब बेबी को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, रेस्पिरेशन हमें शुरू कराना है कैसे भी करके। मेन चीज़ क्या होती है, ऑक्सीजन आनी चाहिए बॉडी के अंदर और ब्लड सर्कुलेट करता रहना चाहिए, यही मेन चीज़ होती है। तो इसके लिए क्या है, जो फीटस है, फीटस तो पहले था, अब क्या हो गया, वो नियोनेट हो गया। तो नियोनेट है उसको क्या है, खुद से तो रेस्पिरेशन करना है, खुद से ही उसका सर्कुलेशन करना है, ये सारे काम उसे खुद से करने हैं, क्योंकि अब मदर का प्लेसेंटा उसकी हेल्प नहीं कर सकता, कब, जब डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद। तो ये सारे काम जब उसे खुद से शुरू करने होंगे, तो खुद से शुरू करने के लिए हमारी तरफ से, यानी कि पीडियाट्रिशन की तरफ से जो हेल्प होती है एक तरीके की, वो क्या हो गया, रिसक्सिटेशन। यानी कि आप रिसक्सिटेशन को क्या कह सकते हो, कि रिसक्सिटेशन के अंदर हम जो चाइल्ड है उस या नियोनेट है उसका ब्रीदिंग को करा रहे हैं, ब्रीदिंग करा रहे हैं, उसके एयर वे को क्लीन कर रहे हैं, और उसका सर्कुलेशन पे को हम जो है रेगुलेट कर रहे हैं या स्टार्ट करवा रहे हैं, ये सारा काम करते हैं हम नियोनेटल रिसक्सिटेशन के अंदर। अगर आपको मोटा मोटा इतना समझ में आ गया है कि आगे हम रिसक्सिटेशन के अंदर करने क्या वाले हैं, तो बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो साथ ही पूछिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे मुझे। अगर आप लोग मुझे ध्यान से सुनोगे तो मैं ये कह रही हूँ आपको डाउट भी नहीं आएगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है इसके अंदर, जो बात मैं पिछली दो क्लासेस से करती आ रही हूँ वही बात लिखी है पहली 3 लाइनों के अंदर। क्या लिखा है, इन जेस्टेशनल पीरियड फीटस इज नरिश्ड एंड रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन इज डिपेंड ऑन मदर्स प्लेसेंटा। यानी कि जब वो यूटरस में था तो रेस्पिरेशन, उसका न्यूट्रिशन, उसका सर्कुलेशन सब कहाँ से हो रहा है, माँ के प्लेसेंटा से। लेकिन जैसे ही बर्थ हो चुकी है, बट आफ्टर बर्थ इट्स ऑल डन बाई हिज ओन सिस्टम। यानी कि अब उसे खुद से शुरू करना है, रेस्पिरेशन भी बच्चे को खुद से ही करना है अपने आप, अब माँ हेल्प नहीं कर सकती, सर्कुलेशन भी खुद से ही करना है। तो इसके लिए क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी सम प्रोसीजर डन बाई डॉक्टर्स टू रिसक्सिटेट ऑफ नियोनेट्स। यानी कि इसके जो सर्कुलेशन हो गया, इसका जो रेस्पिरेशन हो गया, इसको रिस्टार्ट कराने के लिए, इसको स्टार्ट कराने के लिए जो डॉक्टर के द्वारा कुछ प्रोसीजर किए जा रहे हैं, वो क्या हो गया, रिसक्सिटेशन हो गया, ठीक है। अभी अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा सा और आगे जैसे मैं पढ़ाऊंगी आपको सब क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस भी रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब आपको ये ABC रट लेना है, रट यूं लेना है कि आपसे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिसक्सिटेशन के मेन जो 3 प्रोसीजर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा और ये आपको प्रोसीजर अच्छे से पता होना चाहिए कि 3 कौन से स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं रिसक्सिटेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से 2 मार्क्स, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है और 10 मार्क्स का तो आ ही सकता है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो देखिए शुरू करते हैं, तो रिसक्सिटेशन के अंदर हम 3 स्टेप करते हैं, ABC, आपको तो ABC याद रखना है।
बस इसी से अपना सारा काम हो जाएगा। अगर आपको ABC याद है तो आप सारा लिख दोगे। ठीक है, तो देखते हैं ABC में ए क्या है। ABC में ए है, ए से क्या है, एयरवे, बी से होगा ब्रीदिंग और सी से होगा सर्कुलेशन। ये तीन चीज आएंगी, ए फॉर एयरवे। अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वो नहीं है, यहाँ पे ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। तीन जो स्टेप हैं हमें ये फॉलो करने हैं, ये फॉलो करने हैं। यानी कि एयरवे का हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग उसकी कैसे इनिशिएट कराएंगे, सर्कुलेशन को कैसे मेंटेन करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब वो फीटस था, फीटस था यानी कि मदर यूट्रस के अंदर था, तो जैसे ही डिलीवरी का टाइम होता है, लेबर पेन शुरू होते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो फीटस है वो मदर यूट्रस के अंदर ही क्या कर देता है, मीकोनियम पास आउट कर देता है। और उसको क्या कर जाता है, कई बार एस्पायर भी कर जाता है, एस्पिरेट कर जाता है, सक कर लेता है, या फिर जो मदर यूट्रस के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड है उसको भी क्या कर लिया उसने, सक कर लिया। अब इनको अगर वो सक कर चुका है तो ये क्या करेंगे, बच्चे का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो एयर वे है, उसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। कौन कौन, ये जो सिक्रीशन है, जो भी सिक्रीशन थे, या फिर एमनियोटिक फ्लूड हो गया या मीकोनियम हो गया, ये इन सब की वजह से उसका एयर वे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही मान लीजिए उसकी डिलीवरी हुई, ठीक है, और एयर वे उसका ब्लॉक हुआ पड़ा है, पूरा चौक हुआ पड़ा है, और आपने उसको क्लीन नहीं किया, तो बताइए क्या वो खुद से रेस्पिरेशन कर सकता है, नहीं कर सकता। खुद से उसके लंग्स जो हैं वो एक्सपांड हो सकते हैं, नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एयर वे क्लीन कराएंगे। तो एयर वे के अंदर क्या क्या क्लीन कराना है हमें, उसका पूरा जो माउथ कैविटी है हम इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, इसको क्लीन करेंगे क्योंकि माउथ के अंदर ही हो सकता है मीकोनियम होगा, जो नेजोफेरिंक्स वाला पार्ट है पीछे हायोड बोन के पास, वो वाला पार्ट हमें क्लियर करना है उसका, उसके अंदर सारा आ जाएगा। उसकी टंग को क्लीन करेंगे और जो लास्ट वाला पार्ट है फेरिंग्स है उसको क्लीन करेंगे। वो क्लीन क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई म्यूकस टाइप मटेरियल है या कोई एमनियोटिक फ्लूड हो सकता है या म्यूकोनियम हो सकता है या कोई भी अदर सिक्रीशन, जिनकी वजह से एयर जो है, माउथ ब्रीदिंग भी तो करेगा बच्चा, तो एयर जो है वो कहाँ नहीं जा पा रही है, ट्रेकिया में नहीं जा पा रही है। इसलिए हमें क्या करना है, उसका एयर वे क्लीन करना है। अब एयर वे को क्लीन कैसे करेंगे, पहला ए पॉइंट तो क्लियर है कि एयर वे को क्लीन करना है, लेकिन करेंगे कैसे ये भी तो बताइए। तो देखते हैं कैसे क्लीन करेंगे एयर वे को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस्टेब्लिश ओपन एयर वे। यानी ओपन एयर वे का मतलब वही है, क्लीन भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, वही है कि वहाँ पे जो भी है सिक्रीशन वगैरह वो हमें हटाने हैं। तो कैसे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पोजीशनिंग ऑफ नियोनेट। एक एक करके ये पॉइंट लूंगी मैं, अभी केवल यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि इसके अंदर, जैसे आपसे मान लीजिए छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये बताना है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन और आ जाएगा तो ये जो अपना फर्स्ट पॉइंट है वो मैंने यहाँ से शुरू किया है, इस जगह से। ठीक है, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम तीन चीजें करते हैं, एयर वे को जब हम क्लीन कर रहे हैं तो उसमें हमें तीन चीज करनी है, बाई पोजिशनिंग ऑफ द नियोनेट। पोजिशनिंग का मतलब क्या है, अभी समझाती हूँ, केवल अभी मैं लाइन पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद है, सेकंड है सक्शन ऑफ माउथ। सक्शन में क्या करेंगे, जो भी सिक्रीशन है उनको बाहर निकालेंगे, माउथ का, नोज का और ट्रेकिया का क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। फिर उसके बाद है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ठीक है, हो सकता है, अब देखिए ऐसा भी अपना डाउट क्लियर रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बच्चे के अंदर ये तीनों प्रोसीजर करने पड़े। हो सकता है कुछ शक ही नहीं किया है, माउथ कैविटी एकदम क्लियर है, तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन जो एकदम एस्पायर कर चुके हैं, जो म्यूकोनियम एस्पिरेट कर चुके हैं, उनके अंदर तो कंपलसरी है कि आपको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने हैं। तो एयर वे के अंदर हम तीन चीज करेंगे, ये आपको याद रखनी है। इनको कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको समझाती हूँ थोड़ी देर में। फिर उसके बाद है ब्रीदिंग। फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना एयर वे, सेकेंड पॉइंट है अपना ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या कराना है हमें, इनिशिएट ब्रीदिंग, उसकी जल्दी से जल्दी हमें ब्रीदिंग स्टार्ट करानी है। ठीक है, ब्रीदिंग स्टार्ट कराएंगे तभी तो क्या होगा, लंग्स एकदम एक्सपांड होंगे, और क्या होगा, जैसे ही वो ऑक्सीजन अंदर लेना शुरू करेगा। अब उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि बच्चे को रुलाना है हमें, क्राई करवाएंगे उसको। ठीक है, और क्या है,
उसको O2 देना है, कैसे भी करके हमें क्या देना है, O2 देना है। तो उसके लिए हम पहला प्रोसीजर तो कर चुके हैं कि उसका एयर वे क्लीन कर दिया, अब यहाँ से ऑक्सीजन की एंट्री तो अलाउ हो गई। लेकिन एंट्री अलाउ तो हो चुकी है, लेकिन बच्चा ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने हैं, जैसे कि क्या करेंगे, टेक्टाइल स्टिमुलेशन करेंगे। दो चीज़ करनी है इसके अंदर, ब्रीदिंग के अंदर दो चीज़ करनी है। पहला करना है टेक्टाइल स्टिमुलेशन, दूसरा करना है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पहले में क्या होगा, टेक्टाइल स्टिमुलेशन में कल भी बताया था मैंने आपको कि उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, थोड़ा सा हाथ पैरों को क्या करेंगे उसके को रब करेंगे, जैसे जो पाम होता है, फुट का पाम हो गया, हाँ हैंड के जो पाम हो गए इनको रब करेंगे, उसकी बैक को रब करेंगे। रब करने से क्या होगा, जैसे ही आप उसकी पूरी की पूरी स्किन को, बैक एरिया को या हाथ पैरों को रब कर रहे हो, तो जो स्किन है वहाँ पे भी तो छोटी छोटी क्या है, नर्व है, तो ये नर्वस सिस्टम उसका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और नर्वस सिस्टम सिस्टम जो है एक्टिवेट होते ही क्या होगा, स्टिमुलेशन जाएगा, और स्टिमुलेशन जाते ही बच्चा क्या कर देगा, ब्रीदिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये पर्पज़ रहता है टेक्टाइल स्टिमुलेशन का, जो हमने कल भी देखा था। फिर उसके बाद है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इसमें क्या करवाएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फिर उसके बाद है तीसरा है मेंटेन सर्कुलेशन, हमें उसका सर्कुलेशन मेंटेन करना है। अब सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है, सर्कुलेशन आप ऐसा कुछ करके तो नहीं कर सकते। सबसे पहले सर्कुलेशन को के लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चे का जो हार्ट है वो पंप करना, वो अच्छे पंप तो पहले से ही कर रहा है, अच्छे से पंप करना शुरू कर दे। यानी कि जो मूवमेंट हैं, जो लबडब साउंड होते हैं, एट्रियम वेंट्रिकल, ये सारी के सारी जो जब जो उनका पीरियड है बंद होने का, ओपन होने का, जो सारा का सारा टाइम पे ही होना चाहिए, यानी कि जो कार्डियक साइकिल होती है वो मेंटेन हो जाए किसी भी तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को चेस्ट कंप्रेस कराएंगे, चेस्ट कंप्रेस कराएंगे, उसको CPR देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका सर्कुलेशन मेंटेन हो जाएगा। तो हमारी जो रिसक्सीटेशन की कहानी है वो इन 3 पॉइंट पे चलेगी। अगर आपको ये 3 पॉइंट के नाम भी याद रह गए ना, कि ए से एयर वे था, बी से ब्रीदिंग था, और सी से क्या था, सर्कुलेशन था, तो आप थोड़ा सा ही पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आप इजीली लिख सकते हो। तो केवल आपको ये 3 पॉइंट तो अच्छे से याद रखने ही हैं, ये हमारे की पॉइंट्स हैं। अगर ये आपको याद है तो आप पूरा रिसक्सीटेशन इजीली लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपना पहला टॉपिक ले रही हूँ, इसके अंदर एयर वे। मैंने अभी आपको बताया कि एयर वे के अंदर हम तीन चीज़ों पर मेन फोकस कर रहे हैं, कि एक तो उसकी पोजीशन देखेंगे, दूसरा अगर कोई उसके माउथ कैविटी के अंदर कोई भी सिक्रीशन है, कोई मटेरियल है, तो उसको बाहर निकालेंगे, उसका सक्शन करेंगे, और तीसरा